हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम हिंदी में विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, जब किसी मेटल में या किसी मेटलिक वायर में यानी विद्युत क्षण में जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में चल रहे होते हैं उसकी उल्टी दिशा में यानी अपोजिट डायरेक्शन में जो चल रहा होता है उसको ही हम चार्ज कर देते हैं। और ये सब किस वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के वजह से हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रिक चार्ज कर देते हैं, हिंदी में से विद्युत आवेश कह देते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम हिंदी में धनात्मक आवेश कह देते हैं और निगेटिव चार्ज को हम हिंदी में ऋणात्मक आवेश कह देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट चार्ज। इसमें क्या होता है? प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ठीक है, निगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और प्रोटॉन कम होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? तो कूलम होती है। कूलम एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था। ठीक है, तो विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? कूलम होती है। ओके,